एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम यूसुफ एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की खसूसी खबर। On 5th 9 2020 at 12:30, Sri Muhammad Akhtar Khan lodged a complaint at Falaknuma PS, wherein he stated that on 4-9-2-20 at about 9:30 hour, one Muhammad Mustafa Ghazi and his friend has attacked his younger brother, Muhammad Javed Khan, with knives near Khaled Hotel, Ansari Road. Meantime, his cousin brother have shifted Javed to Usmania General Hospital, where the doctors declare him brought dead and request to take necessary action as per the law. This report is from Mohammad Arbas. उसी केस के वजह से आज पांच लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जिसमें दो लोग जूनियर से छोटे उम्र के हैं, तो इसलिए उसको यहाँ प्रेस मीट में नहीं पेश कर रहे। और इसका वजह एक है, उसी दिन शाम को जाड़ो जावेद ने इन लोगों को रोक के उसको धमकी दिया, इसी के वास्ते इसके मन में रखते हुए उसी रात को ये लोग सब एक साथ गए और ये खालिद होटल को जो जाड़ो जावेद रोज रात को आता है वहीं पे उसको मार दिया, वहीं वो गिर गया और उसको हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए, वहीं उनको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया। और इसी केस में और कुछ लोग को भी अभी अरेस्ट करना बाकी है, उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। मारने की वजह उसी दिन शाम को जाड़ो जावेद ने इनको रोक के इनको धमकी दिया, उस पर झगड़ा हुआ उस शाम को 3-4 बजे टाइम पे, उसके मन में रखते हुए और रात को सब लोग इकट्ठे हुए जमील के, उसने सब लोग को इकट्ठा किया और वहाँ जाके उसको मार दिया। कितने लोग हैं सर? अभी तक 7 लोग हैं जिसपे हमारे इन्वेस्टिगेशन में 5 लोग अरेस्ट हो गए, और कुछ भी हो सकते हैं और कोई इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें जो कंस्पिरेसी में उनसे प्लानिंग में पूरा, अभी जो 2 लोग बाकी है उनको पकड़ने के बाद पूरा फाइनल हो जाएगा। नहीं, वो लोग रास्ते में जा रहे हैं और रोक के उसको रोका और उसको झगड़ा हुआ और झगड़ा में वो धमकी दिया हुआ। जाड़ो जावेद जो है उसका बहुत केस ऐसा है उनके ऊपर, रोड़ी शीट किए और उसी रात ये लोग आके मार दिया। कन्फ्यूजन था क्योंकि वो पॉइंट जो है वो 3 रोड वो मिलने का पॉइंट है और वही पॉइंट है जो है वो 3 पुलिस स्टेशन का, एक साइड फलकनामा पड़ता रोड का, एक साइड मलारदेव पल पड़ता और एक साइड काला पत्थर। तो ये गिरना भी वो जो गिरा है वो पॉइंट भी ये 3 पुलिस स्टेशन का मीटिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वही डिमार्केशन बॉर्डर है 3 पुलिस स्टेशन का। नहीं, इसने जो शाम को झगड़ा हुआ उसमें जाड़ो जावेद ने उस जमील को फादर को बोला कि तुम्हारा बाप चोर है, उसको क्या बोलते वो जाफर, जमील का फादर को जो मर गया इसको ये लोग मारे, उसने धमकी उसको ऐसा बोला, उसको फादर को गाली दिया। क्योंकि हमेशा अभी जो मर्डर्स हुए हैं वही स्ट्रेच पे हुए, इससे पहले भी हुआ वहीं पे एक हुआ। सोच रहे हैं उनसे भी ज्वाइंट करके पहले
प्लान करके करने की आइडिया है। पहले उनसे जल्दी से जल्दी उनसे मीटिंग करेंगे। और आप लोग कुछ पिकेट लगाते सर? देखिए, ये बॉडीली ऑफेंसेस जो है वो पिकेट लगाने से बेहतर है पेट्रोलिंग बढ़ाना। उस टाइम पे पिकेट है तो एक एरिया स्टैटिक हो जाए, उसी एरिया में हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जब मूवमेंट होता है तभी उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओपी के लिए कुछ पी ओपी का इतना ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा ही पुलिस स्टेशन का एरिया जो है वो छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है। ओपी जब लगाते जब एरिया बहुत बड़ा है और पुलिस स्टेशन बहुत दूर है उस टाइम पे ओपी लगाते हैं। तो वही पास पास में है सारे पुलिस स्टेशन, काला पत्थर और कामाटीपुरा ये सब वो जब या ये स्पॉट से बहुत दूर भी नहीं है। सर टोटल कितने लोग अटैक कर रहे थे उस टाइम पे? हमारी एज पर नव इन्वेस्टिगेशन में 7 लोग और प्लानिंग में 1-2 लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी तक पूरा डिटेल्स नहीं आया और इस पर पुलिस कस्टडी लाके और 2 लोग बाकी है। अब तक जो इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में आया उसमें 5 लोग को अरेस्ट किए, 2 ये 3 लोग है, 2 लोग जुवेनाइल से इसलिए नहीं लगाए और 2 लोग है इसमें और भी हो सकते हैं। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी चालू है। एक्टिव न्यूज चैनल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। फॉर मोर डिटेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑन दिस चैनल प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।